स्वागत है जी आप सबका छठे रुपए निकल करनी वीडियो में। भाई आज हम बनाने लगे जी वीडियो वाओ चाइना की, और पैकेट है जी यहाँ पे वाओ मोमोज का। इससे आप समझ गए वाओ चाइना जो है वाओ मोमोज वाला का। कुछ पांच चीजें मंगवाई जी स्विगी से, 129 रुपए की ऑफर चल रही थी कि 129 रुपए में चीजें मिल रही थी। पांच मतलब चीजें आप कुछ भी लो इनसे, हर प्रोडक्ट का प्राइस जो है इस वक्त 129 रुपीज था। अब आपको दिखाते हैं क्या क्या मंगवाया है। बाकी पैकेजिंग वगैरह तो बिल्कुल ब्रांड अगर नाम अलग रखा था मेरे हिसाब से पैकेजिंग भी अलग हो सकती थी। बिल्कुल, तब उससे नहीं पता चलता कि वाओ मोमोज वालों का ही है। जैसे वो ट्रांसपेरेंसी होते ना कि ब्रांड व्हाइट लेबल बना देता है कि किसी को पता ना चले, उस तरीके से हो सकता था। ये तो मतलब बंदे के पास सामान जाते ही समझ में आ जाएगा कि मैंने वाओ चाइना का सामान वाओ मोमोज से ही आया है। पैकेजिंग अच्छी है। अच्छा देख यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ कर दिया पंकज, यहाँ वाओ चाइना आ गया, यहाँ अंदर वाओ चाइना आ गया। चलो ये चीज अच्छी है, अगर पैकेट पे भी कर देते हाँ, तो हमें पता नहीं चलता। सही बात है, हम यही सोचते हैं कि भाई अलग ब्रांड है। जैसे कि हमने बुकिंग करते वक्त यही सोचा कि चलो ये कुछ कंपटीशन में किसी ने वाओ चाइना नाम रख दिया, मगर ना मेरे को लोगों से थोड़ा सा मैचिंग हो रहा था कि देखो वाओ जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन नकल करने वाले कर लेते ना, कर लेते, कॉपी बन जाती है, कॉपी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे पता चल गया कि इन्होंने ही अपना एक और सेकेंडरी ब्रांड बना दिया जी। चलो अब इसको ओपन करते हैं फिर दिखाते हैं। पांच चीजें मंगवाई थी, छह मंगवाई थी, पांच मंगवाई थी मेरे ख्याल से, एक कोई कॉम्बो था ना। अच्छा, वो दो चीजें होंगी उसकी। ठीक है भाई, सबसे पहले ओपन करके देखते हैं ये वाला बॉक्स कि इसके अंदर क्या है। नाम किसी के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि क्या चीज आई है, मैच करना पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला काम हो जाता है। अच्छा ये मंचूरियन टाइप का लग रहा है यार, पहले सारे ओपन कर लेते हैं तभी मैच होगा, तभी समझ में आएगा। खोलता जा पैकेट फटाफट। ठीक, ये वाले में देखते हैं जी अब इसके अंदर क्या आया है। अच्छा, अच्छा ये तो आ गया, हनी चिली पोटैटो, काफी अच्छे लग रहे हैं भाई। एक चीज नोट करने वाली है कि वाओ मोमोज का जो है ना, मोमोज वगैरह ही है, इन्होंने पूरा वो देसी चाइनीज वगैरह होता है ना, वो सारा का सारा एक अलग ब्रांड के नाम से स्टार्ट कर दिया। मतलब नई चीजें भी इसमें इन्होंने ऐड कर दी, ये चीज अच्छी है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। पैकेजिंग वगैरह खोलने का भी ना झंझट ही है ऐसे, इसमें देखते हैं अब क्या है। कई बार लोग डिमांड करते थे जी पंकज से भी जो है ना पैकिंग खुलवाओ, तो मैंने कहा चल ठीक है, आज वीडियो की स्टार्टिंग भी पंकज ने करी है। ओके, अच्छा, ये होगा चिल्ली पनीर था ना। हाँ चिल्ली पनीर होगा वो है। चलो थोड़ा सा आप ये भी देख लेते हैं, इसमें नूडल्स होंगे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि पैकेट भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ये नूडल्स है ना, हाँ इसमें क्वांटिटी भी अच्छी है, और नूडल्स भाई सही बताओ तो काफी अच्छा लग रहे हैं ना। बहुत बढ़िया, क्या ही बात है भाई, चिल्ली गार्लिक नूडल्स बढ़िया, खुशबू भी बहुत ही कमाल की आई है। जरा एक बार चिल्ली पनीर भी दिखा दे भाई, थोड़ा सा खोल दे, चल लास्ट वाला भी खोल दे, तो फिर जो है ना पता चल जाएगा कि भाई किसका। बाकी एक दो चीजें तो समझ में आ गई, जैसे नूडल्स समझ में आ गए हैं, ये पनीर भी समझ में आ गया। क्या है भाई ये, क्या था भाई, दिखाइए जरा, पास करिए थोड़ा सा डब्बा। ओके ये क्या चीज है, देखना पड़ेगा जरा। जो वेजेज ही है, हाँ, वेजेज वगैरह सोते करी हुई है। अच्छा ये शायद ना जो अभी ये खुलेगा ना, ये उसका सामान है, दिखाइए जरा। ये है जी चाइनीज भेल, मतलब ये क्या है, नूडल्स फ्राई करे हुए, जो अमेरिकन चॉप्स वगैरह नहीं होती हाँ। है उस टाइप से कुछ लग रहा है, मगर उसमें ग्रेवी होती है। हाँ ग्रेवी ना आके हल्की हल्की सी ग्रेवी है नीचे, देखो आप थोड़ी सी, बाकी सोते की हुई ये अनियन कैप्सिकम वगैरह चीजें हैं, इसको इसके अंदर डाल के खाएंगे। तो चल फिर ये लास्ट में मिक्स करेंगे, ये ना हो कि यहाँ सबसे पहले इसी को ट्राई कर ले, इसी को ट्राई करके देख लेते हैं, तो मिक्स कर दे। अच्छा एक बात है जी, हमारे पास दो चिल्ली पनीर हो गए जी। हाँ इसमें सॉस अलग है, मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारे पास है जी पनीर शेजवान सॉस, ठीक है, दूसरा है हमारे पास चिल्ली पनीर रेगुलर, मतलब एक में शेजवान सॉस का टेस्ट आएगा और दूसरा जो होगा चिल्ली पनीर रेगुलर वाला होगा। और ये है जी नूडल्स, नूडल्स मैं सही बताऊं तो सबसे ज्यादा ना अच्छे लग रहे हैं। अब टेस्ट करना शुरू करते हैं, वहीं से करें, इसी को मैं मिक्स करता हूं, है ना, बेल से। नाम इन्होंने बड़ा देसी नाम रख दिया, पूरा मिक्स कर दे, इसके ऊपर फैला दे, जो थोड़ी बहुत ग्रेवी है वो भी डाल दे, और अब इसको मिक्स करके जो है ना, बड़ा मेरे को ना ये थोड़ा सा अजीब सा कॉम्बिनेशन लग रहा है मेरे को भी। चलो ट्राई करके अमेरिकन चॉपसी खाई थी यार हाँ, हमने कुछ वो खाई थी, मगर उसके अंदर ना काफी अच्छी ग्रेवी होती हाँ, है, बहुत अच्छी ग्रेवी होती है। चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं सबसे पहले, चल करके बता जरा लग क्या अच्छा लगता है। ओ भाई चलो टेस्ट जो है ना काफी कमाल का आ रहा है, ये जो नूडल्स का क्रंच आ रहा है ना, कुरकुरापन वो काफी अच्छा लग रहा है। बाकी इसके अंदर सॉसेस जो डली हुई है ना, अच्छी खासी स्पाइसेस फ्लेवरफुल है,
थोड़ी सी सॉस डालने के बाद भी ना फ्लेवर काफी अच्छे कमाल के आ रहे हैं। मेरे को तो काफी सही लगा, 129 रुपये में बुरा नहीं है। कुछ अलग चीज ट्राई करनी है तो 129 रुपये में अगर मिले तो बहुत सही है। अदरवाइज इसका प्राइस जो रेगुलर प्राइस था ना, हाँ, वो पढ़ो तो आप 300-350 रुपए के आसपास हर चीज का अलग अलग प्राइस है। तब तो भाई मैं मंगवाऊंगा नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ इतना महंगा। भाई नेक्स्ट मैं ट्राई करने लगा चिल्ली गार्लिक नूडल, इसका एक्चुअल प्राइस 370 रुपए है, लेकिन मैंने डिस्काउंट में जो मंगवाया ये आई 129 रुपए की। ट्राई करके देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। भाई 129 रुपए के हिसाब से ना नूडल जो है ना काफ़ी लाइट है और काफ़ी अच्छा चटपटा मसालेदार है, मेरे को बहुत कमाल के लगे। ट्राई करना अगर आपको इस प्राइस में ऑफर में मिल जाए। अदरवाइज 370 रुपए में भाई महंगा, 370 रुपए में तो मार्केट में जाके 2-3 प्लेट नूडल्स आराम से आ जाएगी। भाई अब मेरे पास है 2 तरीके की चिल्ली पनीर, अब देखते हैं इसके अंदर नॉर्मल वाला अच्छा है या शेजवान वाला, वो जो ट्राई करने के बाद पता चलेगा। बाकी पनीर के अगर पीसेस देखें तो ठीक है, काफ़ी सही लग रहे हैं, ट्राई करके देखते हैं। भाई चिल्ली पनीर तो दोनों के दोनों स्वाद है, लेकिन जो शेजवान वाला खाने वाला है, जो नॉर्मल वाला जो चिल्ली पनीर है ना, वो काफ़ी हल्का लग रहा है मेरे ख्याल से ना। मेरे को पहले नॉर्मल खाना चाहिए था मगर पता ही नहीं, नाम ही नहीं लिखा हुआ था। अदरवाइज टेस्ट अच्छा है, पनीर भी काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है। इसको ग्रेवी के साथ, जो ग्रेवी है चाहे फ्राइड राइस खा लो या नूडल है हमारे पास तो उसके साथ मिक्स करके खाऊंगा। टेस्ट मेरे को अभी तक सारी चीज़ों का सबसे सही लगा। अगर बेस्ट बताऊँ तो एक नूडल मेरे को सबसे बढ़िया लगा अभी तक, और एक ये भेल अच्छी लगी है। अब है जी मेरे पास हनी चिली पटैटो, ये थोड़े से मेरे को ना वही बात है, घर आते आते ना केक बन जाते हैं, जम जाते हैं। टेस्ट करके देखते हैं स्वाद कैसा है। भाई मीठा मीठा पन जो है ना इसके अंदर काफ़ी सही आ रहा है। हनी चिली पटैटो, हनी की जो क्वांटिटी है ना काफ़ी सही क्वांटिटी में यूज़ कर रखे है, बच्चों को ना काफ़ी कमाल के लगेंगे क्योंकि इसके अंदर मिठास जो है ना काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डली हुई है, स्वाद इसका अच्छा है। लो जी अब बारी हो गई जी मेरी, मैं भी फटाफट जो है ना एक एक बाइट सारी चीज़ें टेस्ट कर लेता हूँ और एक ही बार में फिर आपको बाद में बताऊँगा कि मुझे सबसे बेस्ट जो है ना क्या लगा। सबसे पहले भेल से स्टार्ट करता हूँ। भाई साहब मज़ा आ गया, क्या ही चीज़ें हैं और क्या ही फ्लेवर है ना, एकदम बढ़िया। लेकिन आज ईमानदारी से कहूँ ना पंकज, जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी है ना भाई, वो यार ये लगी है भेल। वाकई में बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया इसको खा के। इसके अंदर जो क्रंचीनेस आ रहा है ना नूडल का, वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इसका। ये एक बाइट और लूँगा और उसके बाद नूडल बहुत अच्छे लगे हैं। ये दो चीज़ें मुझे बहुत कमाल की लगी जी। और मैं सही बता दूं भाई, 129 रुपये के हिसाब से ना सारी चीज़ें वर्थ हैं। जहाँ इनका प्राइस 280 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये होता है ना, वहीं हमारा यहाँ से ऑर्डर आना ही कैंसिल हो जाएगा, हम नहीं ऑर्डर करने लगे। लेकिन 129 रुपये के हिसाब से भाई मज़ा आ गया। बाकी जी उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा जल्दबाजी वाली वीडियो बनाई है, आपको भी पता है कि हम प्रॉपर टेबल वगैरह लगा के जैसे घर पे करते हैं वैसे बनाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दबाजी में करी है। मम्मी के बारे में बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उनकी अब तबीयत कैसी है, तो उसके बारे में आपको मैं छोटी सा अपडेट बता देता हूँ। 8 तारीख को हम मम्मी को घर पर लेकर आए थे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के। उसके बाद मम्मी की तबीयत धीरे धीरे दोबारा ख़राब होने लग गई और 14 तारीख को हमने उनको फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और कल 18 को शाम को जी वो दोबारा से घर पर आई हैं। तबीयत अभी भी थोड़ी सी ख़राब ही है, प्रॉपर अच्छी तरह अभी आराम नहीं आया। कुछ एंटीबायोटिक वगैरह अभी भी चल रही हैं, जिनके इंजेक्शन वगैरह अभी भी 4 दिन के घर पर लगने जो है ना वो बाकी है। तो 3 टाइम जो है वो आ रहे हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, एंटीबायोटिक के लिए वो लगा भी हुआ है, तो वो भी चल रहा है। तो अभी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि पहले से सुधार नहीं है, पहले से फ़र्क है, लेकिन अभी और इम्प्रूवमेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता है आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय।